खान साहब का 7 घंटे मुनाजरा हुआ है, 7 सीडियां मौजूद है, 7 मिनट में मैं आपको गुस्ताख भी साबित करूंगा, अपना दिफा भी करूंगा और अपनी तकरीर में आप हमारे खिलाफ इबारतें पेश करेंगे। बोले गुवाहाटी साहब ने कहा, फिर वही बेफायदा बात की, लंबा मुनाजरा करने की। मैं कहता हूं कि अल्लाह के फजल से ऐसी कोई बात नहीं है, 20 घंटे तो क्या, 48 घंटे भी मुनाजरा अल्लाह के फजल से कर सकते हैं। हम पर अल्लाह का बड़ा फजल व करम है, उसकी बड़ी इनायत है। हमारा मकसद ये है कि मुनाजरा ऐसा होना चाहिए कि लोगों को समझ आए। लंबा मुनाजरा देखने के लिए लोगों के पास वक्त नहीं है, 3 घंटे मुनाजरे के लिए बड़ा मुनासिब वक्त है। आप यही चाहते हैं कि बात को इतना तूल दे दिया जाए कि किसी को कुछ समझ ही ना आए। हम कहते हैं कि इंशाल्लाह, आप 20 घंटे की बात करते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम इन 3 घंटों में आपको ये बता देंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात हक पर हैं और आप बातिल पर हैं, और हम आपको इन 3 घंटों में गुस्ताखे रसूल साबित कर देंगे हम अल्लाह के फजल करम से। तो आप इस मौजू पर क्यों नहीं आते? मैं चाहता हूं कि वक्त जाया ना करें, आप वक्त जाया ना करें, मुनाजरा शुरू होना चाहिए। जो मुनासिब शरायत है वो हम तय करें और उसके बाद हमें मुनाजरा शुरू करना चाहिए। लंबी तकरीर करना मकसूद नहीं, मकसद यह, जब मुनाजरा होगा तो फिर उसमें सभी कुछ आ जाएगा। आप वक्त को क्यों जाया करना चाहते हैं? आप अल्लाह के बंदे, वक्त का ख्याल रखें। और आपने कहा जी के 2 इबारतें पेश कर देते हैं जी, हाँ, कि अगर 3 घंटे मुकर्रर करते हैं तो उसमें आपने कहा है कि 2 इबारतें दोनों तरफ से 2-2 इबारतें पेश कर देते हैं। तो मेरा इसमें यह मशवरा है कि ऐसा करते हैं कि इसमें 3 इबारतें हम और दाखिल कर देते हैं, कि 3 घंटे में 5-5 इबारतें जो हैं वो दोनों तरफ से हम पेश कर देते हैं। 5 इबारतें हमारी आप पेश कर दें और 5 इबारतें आपके खिलाफ हम पेश कर देंगे जी, गुस्ताखे रसूल होने के मौजू पर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बात इस तरह, खामोश रहे, बात इस तरह है कि गुलाम मुस्तफ़ा नूरी साहब की जिंदगी में 2 मुनाजरे हुए हैं, 2, एक शमशाद सलफी साहब से और एक मुझसे। मौलाना असल में मुनाजरे से सही तरह वाकिफ नहीं है। बात इस तरह है कि यहाँ भी हमने टाइम क्यों मुकर्र किया है, इसलिए ताकि बदमजगी ना हो, इधर से हम बोले उधर से आप बोले, इससे बदमजगी पैदा होती है और इससे शोर पैदा होता है। दूसरी बात यह है कि अब मौलाना ने कह दिया कि 3 घंटों में हम ये कर देंगे तो उधर से फिर आवाज उठी, हालांकि इस पे पाबंदी लगाई गई थी। मौलाना तसद्दुक हुसैन साहब ने कहा कि नहीं, बुलंद आवाज नहीं की जाएगी, हमारी तरफ से अगर बात बुलंद की जाए हम साथियों को रोकेंगे। इसके अलावा बात यह है कि हम ये साबित करेंगे कि बरेलवी अल्लाह की भी गुस्ताख हैं, अल्लाह के रसूल की भी गुस्ताख हैं, सहाबा की भी गुस्ताख हैं, औलियाउल्लाह की भी गुस्ताख हैं, कुरान की भी गुस्ताख हैं, हदीस की भी गुस्ताख हैं, सारे दीन सारे इस्लाम के गुस्ताख हैं। और हम साबित करेंगे कि बरेलवियत नाम ही गुस्ताखी और कुफर और शिर्क है, ये तो हम साबित करेंगे। लेकिन बात यह है कि अब बात एक और आ गई है सामने। नूरी साहब ने कहा कि नहीं, 5 इबारतें हम पेश करते हैं और 5 इबारतें आप पेश करें, टोटल 10 इबारतें हो गई। अब देखो ये बात कितनी प्यारी हो रही है, आप सुन रहे हैं मेरी बात, हम सुनते हैं आपकी बात, लेकिन अगर उधर से भी बात होती और इधर से भी होती, यकीन जाने बहुत शोर होता। इस वजह से मैंने वक्त मुकर्र किया है। नूरी साहब इस बात को जहन नशीन कर लें, ये बड़ा अच्छा उसूल है जो मैंने मुकर्र किया है। अब यह है कि ऐसा करते हैं कि 10-10 इबारतें पेश करते हैं, 10 इबारतें आप हमारी पेश करें और 10 इबारतें हम आपकी पेश करते हैं, टोटल हो जाएंगी 20 इबारतें। आपकी मर्जी है वो 10 इबारतें आप कोई भी पेश करें, हमारी मर्जी है कि हम आपके खिलाफ
उन इबारतों में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सारे इस्लाम सहाबा की गुस्ताखी मौजूद है, आपने की है, हम वो 10 इबारतें पेश करेंगे, टोटल हो जाएंगी 20 इबारतें। अब इन 20 इबारतों के लिए 4 घंटे मुकर्रर कर लेते हैं, 2 घंटे आपको मिल जाएंगे, 2 मुझे मिल जाएंगे, इबारतें होंगी 20 इबारतें, 10 आप पेश करेंगे, 10 मैं पेश करूंगा। फिर उसके लिए शर्तें तय करते हैं कि इस इबारत की कैसी तशरीह होगी दूसरी इबारत के जरिए से, और इस इबारत पर जो बरेलवियत और ये जो मौजूदा अहले हदीस हैं इनसे हटकर जो मुतकद्दिमीन हैं, मसलन इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इसी तरह ताबीन, तबा ताबीन, मुहक्किकीन जो पहले गुजरे हैं, उनकी इबारतें तौज़ीह के लिए, इस इबारत को हल करने के लिए कि भाई ये इबारत कुरान की आयत से हल हो रही है, ये इबारत हदीस से हल हो रही है, वो आप पेश कर सकेंगे, लेकिन जो हमारी इबारतें होंगी हमारी किताबों में वो आप 10 पेश करेंगे, और हम आपकी आपकी किताबों से 10 इबारतें पेश करेंगे। उसकी तौज़ीह के लिए हम उसकी तशरीह कुरान से करते हैं, हदीस से करते हैं, इसी तरह फुकहा मुहद्दिसीन से करते हैं, तो वो हम कर सकेंगे। अब मतलब है कि नूरी साहब को ये बात अब समझ आई है कि वाकई 3 घंटों में ये मुकम्मल जो गुस्ताख कौन है ये मुकम्मल नहीं हो सकता। बाकी ये है कि लोगों के पास वक्त नहीं है, नूरी साहब बार बार कह रहे लोगों के पास बड़ा वक्त है, 7 घंटे मुनाजरा हो चुका है तालिब रहमान साहब का और हनीफ कुरैशी साहब का, आप 3 घंटे कर रहे हैं, 7 घंटे का वक्त है नहीं, उन्होंने किया है, मेरा और शौकत सियालवी साहब का 8 घंटे हो चुका है, आप खुद मौजूद थे, हालांकि उसमें मौजूद भी सिर्फ नूरु बशर है, वक्त तो है, हो चुका है मुनाजरा। बाकी मैं फिर कहूंगा नूरी साहब वो 20 दिन निकाल कर तो लाए ना, ताकि कभी वो 20 दिन आमने सामने बैठकर, मेहमान हूं, मेहमान नवाजी हम करेंगे आपकी, मेजबान हम होंगे, आप फिक्र न करें, 20 दिन हमारे पास रहें, 20 महीने रहें, हमने यकीन जाने आपके साथ कोई ज्यादती नहीं करनी, हमने तो करना है मुनाजरा, हमने तो मुनाजरा करना है, मैंने आपको कह दिया है, अब आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वही लंबी गुफ्तगू की और फिर इस बात पर आ गए कि चलो 4 घंटे जो है वो मुनाजरा कर लेते हैं, और इसमें 10-10 इबारतें जो हैं वो दोनों तरफ से पेश हो जाएंगी। तो चलो हम आपकी ये बात मान लेते हैं कि 10-10 इबारतें जो हैं ये दोनों तरफ से पेश हो जाएंगी, 10 इबारतें आप हमारी पेश कर सकते हैं, आपको इख्तियार है कि जो चाहें आप इबारत पेश करें, और 10 इबारतें हम पेश करेंगे, और अल्लाह के फजल व करम से हम साबित करेंगे कि आप अल्लाह तबारक व ताला के भी गुस्ताख हैं, हम साबित करेंगे आप नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के भी गुस्ताख हैं, और ये भी साबित करेंगे कि आप नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुकद्दस असहाब रदी अल्लाह अन्हुम अजमाइन के भी गुस्ताख हैं, और ये भी साबित करेंगे कि आप नबी पाक की आल रदी अल्लाह अन्हुम अजमाइन के भी गुस्ताख हैं, और औलिया किराम सालिहीन के भी आप गुस्ताख हैं, हम उन 10 इबारतों में अल्लाह के फजल से ये बात साबित करेंगे। हमें आपकी ये बात मंजूर है कि दोनों तरफ से 10-10 इबारतें पेश हो जाएं। जी तो उन 10 इबारतों को अगर आप चाहें तो हम 3 घंटे में पेश कर दें, और अगर आप चाहें जैसे आपने कहा है कि 4 घंटे तो मुझे मंजूर है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, 4 घंटे भी मुझे मंजूर है, लेकिन मकसद मेरा असल में मकसद आप अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं, और आपको साहिवाल के मुनाजरे की बात अच्छी तरह अभी तक याद है कि वहाँ पर जो शरायत तय हुई थी उसमें ये लिखा गया था कि 5 मुनाजरे वक्फे से होंगे, यके बाद दीगरे कुछ वक्फे से 5 मुनाजरे होंगे जिस पर आपके साइन हैं,
और वो तहरीर मैं अब लाया नहीं, वो उधर घर में मेरी लाइब्रेरी में मौजूद है और आपको याद होगा, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। तो एक मुनाजरे के बाद आप ऐसे गायब हुए कि आज मेरा अंदाज़ा है कि 4-5 साल के बाद आप मेरे सामने आए हैं। और उस मुनाजरे के बाद आपका ये हाल हुआ था कि आपको वहाबियत छोड़ना पड़ी, आप देवबंदी बन गए और देवबंदियों के इदारे में बैठकर आपने फिर जो वहाँ पर तकरीर की थी वो सीढ़ी बाजारों में मिल रही है। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पर आपने क्या अल्फाज कहे थे, मुझे तो वो अल्फाज यहाँ कहते हुए भी शर्म आती है कि आप किसी तहकीक की बिना पर नहीं बल्कि किसी और चीज़ की बिना पर आपने इस मसलक को छोड़ा, इस मसलक में वापस आए। मेरे भाई ऐसी बातें ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से गुलाम मुस्तफ़ा नूरी ने जितने मुनाजरे किए हैं अल्लाह ताला ने फतह अता फरमाई है, और जिनसे मैंने मुनाजरे किए हैं आज भी वो उन मुनाजरों को याद करके रोते हैं जैसे आप रो रहे हैं। और जो आदमी मुनाजरा शुरू नहीं करना चाहता वो 20 घंटे कैसे करेगा मुनाजरा। मैं ये चाहता हूं कि लोगों को मुनाजरा समझ आना चाहिए, बात मुख्तसर होनी चाहिए और प्यार मोहब्बत से इंशाल्लाह आपकी तरफ से भी होगा, हमारी तरफ से भी इंशाल्लाह प्यार मोहब्बत की बात होगी, हम तो हैं ही प्यार और मोहब्बत वाले। तो ऐसा एक अच्छा माहौल हमें पैदा करना चाहिए, एक ऐसे अच्छे माहौल में गुफ्तगू करनी चाहिए कि जो केस्टे सुने मुनाजरा सुने उनके जेहन में ये बात आए कि ये दो मसलकों के जो मुनाजिर हैं तहजीब के दायरे में बैठकर ये गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आपकी ये बात मुझे मंजूर है कि चलो 4 घंटे मुनाजरा ठीक है और उसमें 10-10 इबारतें जो हैं वो पेश होंगी, 10 इबारतें हम आपकी पेश करेंगे और 10 इबारतें आप हमारी पेश करेंगे। वालाली ही वासहाबी ही अजमाइन अम्मा बाद फाउजु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरी साहब कहते हैं कि मुनाजरा शुरू नहीं करना चाहते तो 20 घंटे कैसे करेंगे मुनाजरा। नूरी साहब का हाल ये है कि 5 मिनट भी मुकम्मल नहीं कर सकता। नूरी साहब का हाल ये है, खामोश रहे मौलाना, नूरी साहब का हाल ये है कि ये 5 मिनट भी मुकम्मल नहीं कर सकता। अच्छा, पहले कहा गया है कि जातियात पे नहीं आया जाएगा, मौलाना फिर जातियात पर आ गए हैं। इसके अलावा इनकी एक किताब मेरे पास आ गई थी साहिवाल के मुनाजरे में। अच्छा, उससे पहले मैं ये बात करना चाहता हूं कि वो जो वहां मुनाजरे मुकर्र हुए कि ये मुनाजरा किया जाएगा नंबर वार, नूरी साहब मैंने आपको उस वक्त भी कहा था, मैं अब भी कहता हूं, इस मुनाजरे के बाद आपका जिस मौजू पे मुनाजरा करने के लिए दिल चाहे अभी तारीख तय कर दें दूसरे मुनाजरे के लिए। मौलाना खामोश रहे, मैंने उस वक्त भी कहा था साहिवाल में भी, मैं अब भी कहता हूं अभी दूसरे मुनाजरे के लिए आप तारीख अभी तय कर दें कि ये मुनाजरा हो जाए तो दूसरा मुनाजरा फलानी तारीख को करेंगे, तारीख अभी तय कर दें, मैंने उस वक्त भी कहा था। इसके अलावा ये कहना कि ये हो गया वो गया, ये जातियात हैं, इनकी एक किताब मेरे पास आ गई थी साहिवाल के मुनाजरे में, मुझे अनवार अनफी साहब ने भी फोन किया, फोन पे गुफ्तगु हुई कि हमारी ये किताब आपके पास आ गई है तो वो किताब हमें वापस दे दी जाए। मैंने कहा बिल्कुल, मैं साथियों को कहता हूं मैं इस वक्त इस्लामाबाद में हूं, रावलपिंडी में हूं, वो किताब आपको मिल जाएगी अगर हमारे पास आई हो। मैंने लाहौर फोन किया, इनको किताब मिल गई। इसी किताब के मुतालिक नूरी साहब से भी एक दफा रब्ता हुआ, नूरी साहब आपने भी ये कहा था कि कोहाटी साहब आप हमारी तरफ आ जाए, मैं आपके सामने सब कुछ रख दूंगा, सब कुछ में सब कुछ आ जाता है अगर आप उधर जाएंगे ना। मौलाना ठहरें, मौलाना मेरी बात सुने, ठहरें आप अपनी बात, आप मेरी बात सुने, मैं मेरी बात तो सुने ना, आप अपनी बारे में बोले ना, आप अपनी बारे में बोल, आप अपनी बारे में बोले ना, आप अपनी बारे में बोले। मौलाना मौलाना आप बिल्कुल उसूल के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, खुलू मैं जब बोलूं आप में, आपको अब ये बात नजर आ रही है कि मैं कोहाटी का सामना नहीं कर सकता। मौलाना आप हौसला करें, हौसला तो करो, थोड़ा हौसला करो नूरी साहब। बात यह है
कि मैंने उस फोन में ये भी कहा था कि मैंने अहले हदीसों को छोड़ दिया, वो चंद की वजह से मैं किनारा कश हो गया था। इस बात को आप जेरे मौजू ना, ये मौजू है हमारा नहीं है। मैं आपकी जात पर बोलूं, आप मेरी जात पर बोलें, ये कोई जलसा नहीं है। जलसों में एक दूसरे पे बोला जाता है, लेकिन ये मुनाजरा है। हमने मुनाजरा करना है, बात इस पर आ गई है, मेरी बात की तरफ आप आ गए हैं। और ये बात अब आपको समझ आ गई कि कुहाटी शुरू में जो कह रहा था कि अगर मौसू को खुला छोड़ दिया जाए कि गुस्ताख कौन, हर इबारत पेश की जाए, तो ये बड़ा लंबा मौजू है और 3 घंटे बहुत थोड़े हैं मेरी।